अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी किरण सोनवणे, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टचे प्रमुख श्याम चैतन्य महाराज यांच्या वतीने शहरातील पत्रकार बांधव आणि भगिनींचा यथोचित सन्मान काल करण्यात आला। पत्रकार दिनाचे औचित्य साधत श्याम चैतन्य बापू यांनी कलश विद्यालयात या सत्कार सोहळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। या प्रसंगी शहरातील प्रमुख वृत्तपत्रांचे सर्व पत्रकार, स्थानिक वृत्तवाहिनींचे पत्रकार बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। प्रिय बंधू, सबसे पहले मैं गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्ट की ओर से आप सभी पत्रकार बंधु और भगिनी का स्वागत करता हूं। पत्रकार दिन के दिन मैं नासिक प्रोग्राम की वजह से यहां उपस्थित नहीं था, तो जैसे आया मेरे नपा के और अपने भैरव भाई के कान पे में विषय डाला संदीप सर के कि आपने कोई ऐसा छोटा सा कार्यक्रम रखना है। वैसे मैं बहुत बड़ा कोई सत्कार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रेम से एक पुष्प आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकार एक समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। पत्रकार के कलम में काफ़ी कुछ ताकत होती है और दुनिया की सारी चीज़ें पत्रकार तक आती है, पत्रकार के बाद में पूरे समाज की तक जाती है। तो समाज को हो, समाज के साथ आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, जितनी भी गतिविधियां हमारे देश में चलती है, तो पत्रकार बंधु उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। और विशेषतः गुरुदेव सेवा आश्रम में होने वाले कार्य, आप सब भी मेरे विचार जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए एक ताली बजाकर हम अपनी अपनी का अभिनंदन कर ले, सबके लिए एक जोरदार ताली बजा लेंगे। कोई समय पर उपस्थित होता है, कोई नहीं होता है, कोई हरकत नहीं है, लेकिन प्रिय बंधुओं, में आज इस पत्रकार सत्कार के दिन आपको एक विशेषतः कहूंगा कि ये आश्रम मेरा नहीं, ये आश्रम गुरुदेव सेवा आश्रम आप सभी का है। उसको आप जैसे मार्गदर्शन करेंगे, आपके भी मुझे विचारों की जरूरत है कि अपन जन जन तक कौन सी चीजें पहुंचाए, कैसे पहुंचाए, जन की सेवा अपन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ा माध्यम है विचार पहुंचाने के लिए। तो मैं अधिक न बोलते हुए छोटा सा सत्कार का रखा है और आप सब मेरी बात को सम्मान देकर यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। और बंधुओं, आश्रम आपका है, पुनश्च कहूँगा आश्रम में जब भी कोई कार्यक्रम रहे, हो सकता है कभी गलती से मैं आप तक मेरे संदेश न पहुँचा पाऊँ, तो जिनके माध्यम से आपको पहुँचे वो आश्रम आपका ही है, ये अधिकार आश्रम में आई है। और आश्रम को अपन कैसे अच्छे से बनाए, आश्रम की जन जन तक कैसे पहुंचाए, ये मार्गदर्शन आप सभी का मुझे हमेशा रहता है और रहेगा, ऐसी भावना व्यक्त करते हैं। या ठिकाणी गुरुदेव सेवाश्रम ट्रस्टचे प्रमुख श्याम चैतन्यजी महाराज यांनी आम्हा पत्रकारांचा जो सन्मान केला त्याबद्दल त्यांचं मी आभार व्यक्त करतो। आणि पत्रकार बांधवांच्या वतीने आमचे स्वागत चौधरी यांनी बोलावे अशी विनंती करतो। गुरुदेव सेवाश्रम तर्फे आज आमच्या सर्व पत्रकार बांधवांचा आपण सत्कार केला। पत्रकार समाजाचा अर्थ असतो, लोकशाहीचा तिसरा खांब असतो, चौथा खांब असतो, कोणी पहिला म्हणतं, असं सर्व काही असलं तरी इतर सत्कार आणि या सत्कारामध्ये फार मोठा फरक आहे। हा सत्कार एका महान व्यक्तीच्या, ऋषीमुनींच्या निस्वार्थ भावनेने केलेला एक सत्कार आहे। हा आशीर्वादपररूपी सत्कार पुढच्या आयुष्यासाठी आम्हाला मार्गदर्शक राहील। आपण आमच्याकडून किंवा आमच्या पत्रकार बांधवांकडून जी अपेक्षा व्यक्त केली ती तुमची अपेक्षा नसून आमचं कर्तव्य आहे, आम्ही ते वेळोवेळी करत राहू। सर्व पत्रकारांचा ज्या ज्या मान्यवरांनी किंवा संस्थांनी सत्कार केला त्या सर्वांचाही मी या निमित्तानं आभार व्यक्त करतो। आपल्या समोर आज इथे आहे समाजात एकी राहावी, आपण हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई भाई भाई म्हणतो, प्रत्येकाचे धर्मग्रंथ ज्यांच्या ज्यांच्या भाषेत असतात, उर्दू आणि अरबी किंवा आणखी कोणत्या भाषेत असलेलं आहे कुराण, हे आपल्या सर्वांच्या वाचण्यात कधीच येणार नाही, परंतु ते मराठीत आलेलं आहे आणि हे मराठीतलं कुराण आज महाराजांना आपले आय आय एम न्यूजतर्फे दिलं जात आहे।
त्यांचं मी मनावरून काही करतो चांगलं आहे, इतरांनाही द्यावं म्हणजे आम्हालाही त्या भावना समजतील. धन्यवाद. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जे वी एन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.